गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। तो सुबह सुबह अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे 7:45 और हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। तो चलिए पहले नाश्ता किया जाए। नाश्ता बनेगा, उसके बाद मैं प्रोटीन पीऊंगी। और अंगद भी कई बार क्या करता है, सुबह दूध पी लेता है क्योंकि जब चाय बन ही नहीं रहा है। वैसे इस हफ्ता थोड़ा चेंज हुआ है, इस हफ्ता मैंने 2 बारी चाय पी लिया। एक बार ठेपला बना था तो चाय पिया, और एक बार बनाया मैंने पनीर पराठा, उसके साथ भी चाय पिया। पर बस पीने के लिए पी लिया, से मजा नहीं आता। तो जब मजा आ ही नहीं रहा है तो फिर क्या जरूरत है, बारिश होगी तब देखा जाएगा। नहीं, अच्छी बात है कि हमने ब्लैंक आउट कर्टन लिया था, अदरवाइज तो धूप से बचना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो बस इतना पोर्शन में आपको हल्का फुल्का धूप दिखेगा, ऊपर तो और भी कम दिख रहा है। पर इससे भी ना घर में ये नहीं आता, ऐसा लगता है कि ठीक है, लग रहा है कि धूप आ रहा होगा, पर बिल्कुल भी नहीं आता है। गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है नाश्ते में? एग पराठा। जी हाँ, नाश्ते में बन रहा है एग पराठा। यहाँ पे दूध बॉईल हो गया। अंगद, तुम्हारी रोटी का बहुत तारीफ हुआ था उस दिन। थैंक यू वेरी मच। तो अंगद देखिए कैसे रोटी बना रहा है। और पनीर पराठा मैंने बोला है सबको, एक बार तुम्हारे हाथ की दिखाया जाएगा, तो जब बनेगा तो मुझे याद दिलाना, मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा रोटी बना जा रहा है। वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। गोल भी घूमता है, गोल बनता है, अगर फुलाया जाए तो फूलता भी है। और ये देखिए पतला, ये तो पराठे के लिए थोड़ा सा इसने मोटा बनाया होगा, पर रोटी के लिए तो और भी ज्यादा पतला। अरे तुम्हारे अंदर टैलेंट है भाई, इन बिल्ट टैलेंट है। सिर्फ काम चलाओ काम अंगद नहीं करता है, काम फिनेस के साथ करता है। वॉच एंड लर्न। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इसका? ऑयल डलेगा, इसमें ऑयल डलेगा। इसके लिए मुझे बहुत क्वेश्चन आता है, ये आपने कहाँ से लिया? शुरू से आता जा रहा है। तो एक्चुअली मैंने ये होम सेंटर से लिया था, सेट ऑफ टू लिया था 300 रुपीज में। तो इसमें मैं ऑयल रखती हूँ, पर है एक्चुअली ये रखने के लिए विनेगर वगैरह, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट है ऑयल के लिए। छोटा बॉटल है ना, तो आप कम ऑयल डालो और अच्छे से, इसमें ड्रिप भी नहीं होता है, वो बेस्ट पार्ट है। इसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि इधर से ड्रिप हो रहा है। पर हाँ, अब ये होम सेंटर में नहीं मिलता है, मैंने बहुत बार ढूंढा है, तो शायद ये स्टॉक नहीं है वहां पे। तो तेल डल चुका है, थोड़ा बहुत ही पराठे में डाला जा रहा है, और इसके बाद बनेगा अंडा पराठा। ये हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट है। क्या ढूंढा जा रहा है अंगद जी? अच्छा, जगह ढूंढा जा रहा है। और आप लोग में से लोग सोच रहे होंगे सोना आप बना लेते? जी हाँ, ये मैं बना सकती हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन कोई एक बंदा शूट करेगा, एक बंदा बनाएगा, तो मैंने कहा चलिए ये अंगद दिखाएंगे आपको बना करके। ऐसे ये ड्यूटी जो है ब्रेकफास्ट की हम दोनों बांट के कर लेते हैं। डिश वॉशर सुबह खाली करने की ड्यूटी फुल अंगद की होती है। अच्छा, इसके लिए भी आया था कमेंट, इस रोटी पॉट का लिंक दे दीजिए, इस वीडियो के नीचे चेक करिएगा एक बारी, मैंने दिया हुआ होगा। आज लंच में मेरा प्लान है ये वाला मिक्स दाल बनवाने का, पंचरत्न दाल, और साथ में बनवाऊंगी आज पालक पनीर। तो पालक कल ना जाके लेकर हम लोग आए, और अभी ऑनलाइन ना पालक मिल नहीं रहा है, जब भी देखते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये भी उतना ज्यादा तो फ्रेश नहीं है, क्योंकि शाम को लेकर आए थे ना, सुबह लाइए सब्जी तो फ्रेश रहती है। ये बन गया हमारा टेस्टी टेस्टी एग पराठा, और इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला और केचप, और फिर ये खाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो आए हैं मेरे पास बी ब्लंट के तरफ से। तो यहाँ पे ना 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, तो प्रॉपर आप कह सकते हो रिजीम है पूरा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एंड थर्ड है यहाँ पे हेयर फॉल कंट्रोल का कंडीशनर। तो पूरा रिजीम है जो आप फॉलो करेंगे, तो अगर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बाल दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं, वैसे भी ऐसा मौसम है, ड्राई है, आपके बाल फ्रिजी हैं, तो बाल गिरते हैं, तो ऐसे में ये रिजीम आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल है तो जिस दिन भी आपको शैम्पू करना है उससे एक रात पहले आप ये बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक लगा लीजिए। तो अगर आप रात को लगाएंगे और सुबह शैम्पू करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा असर आपको दिखेगा। तो ये है बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। इसमें है जिंसिंग एंड पी प्रोटीन जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है बाय मोर देन
60% इन जस्ट 56 डेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो रात को सोने से पहले आप इसे अपने स्कैल्प में लगा करके मसाज कर लीजिए। बालों को सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, फिर एप्लीकेटर की मदद से आपको इसे लगाना है, फिर जेंटली मसाज करना है और फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब शैम्पू करें तो आप यूज़ करें बी ब्लेंड का ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। इसमें है पी प्रोटीन और कैफीन, ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है और रिड्यूस करता है अप टू 93% ऑफ हेयर फॉल। ये स्पेशली इंडियन हेयर्स के लिए बना हुआ है। शैम्पू के बाद आपको लगाना है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। 3 मिनट तक इसे बालों पे रहने दें और उसके बाद बालों को वॉश कर ले, तो इससे आपके बालों में एक चमक भी आएगी और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। ये देखिए ड्राई होने के बाद बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो गई। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो आपके हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आपको लेना होगा तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये ले सकते हैं बी ब्लेंड के वेबसाइट से। अगर आप ले रहे हो बी ब्लेंड के वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाइएगा Shona2023, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। इनकी एक इनिशिएटिव है जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड विच इज वर्थ मेंशनिंग। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो बी ब्लेंड का, तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दैट दे इम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन एकेडमी। इनका ये मिशन है कि इन्हें 10,000 वुमन को इम्पावर करना है अक्रॉस नेशन, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक तो मैंने दे ही दिया है, एक बार चेक जरूर करिएगा। आने से पहले ना मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर देती हूँ, जो सब्जी बनानी है वो निकाल के रख दिया, दाल की क्वांटिटी कितनी लगनी है वो निकाल देती हूँ और राइस की क्वांटिटी कितनी लगनी है वो भी निकाल देती हूँ। आज निकाला नहीं है क्योंकि आज राइस का ना पैकेट उसको खाली करना पड़ेगा 5 kg वाला, और यहाँ पे उसको रखना रहता है सारा ही जो भी कचरा निकलेगा वो इसमें रखेगी। यहाँ पे रख देती हूँ इसका चॉपिंग बोर्ड, तो इस एरिया में वो कटिंग चॉपिंग कर लेगी। और उसके साथ में जो आटा उसको रखना है रात के लिए एक्स्ट्रा बना के, उसका बर्तन भी यहाँ पे रखा हुआ रहता है तो इसमें वो आटा डाल लेगी। और ये सब यहाँ पे बिछा हुआ रहता है कि यहाँ पे गंदा ना हो, कुछ गर्म ना रखे। और उसके साथ साथ ये जो सारा है वो भी मैं यहाँ पे सामने उसके रख देती हूँ। दो वाला ये काम आ जाता है और एक ये काम आ जाता है, तो गर्म खाना वो इस पे रख देती है और पानी भी जग में डाल देती हूँ। तो इतना बेसिक जो है प्रेप में कर देती हूँ, बाकी उसको पता है कि इसमें क्या डालना है। अब जैसे कि मुझे आज बनवाना है एक्चुअली पनीर, तो पनीर को भी मैं जितना देना है ना उतना निकाल दूंगी। तो ऑलरेडी इसमें हाफ ही पनीर है, हाफ तो मैंने कल यूज कर लिया, तो ये पूरा वो हाफ यूज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पनीर भी निकाल के रख दूंगी। तो पालक पनीर, दाल, राइस, रोटी, सैलेड वगैरह वो खुद काट लेती है। डस्टिंग और मॉपिंग करने के लिए जो आंटी आती है उनका टाइम मैंने 10 बजे का दे रखा है और कुक का टाइम है 11 बजे का। 10 बजे से पहले मुझे डस्टिंग मॉपिंग नहीं करवानी होती क्योंकि हम लोग उठते हैं फिर आराम से नाश्ता करते हैं, उस टाइम पे झाड़ू कोई कर रहा है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं लेट बुलवाती हूँ। 10 बजे आइए आराम से, 15 मिनट में वो करके जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता है फटाफट में शार लेती हूँ और फिर 11 बजे कुक आ जाती है, 11:15 तक आ जाती है। तो जब वो कुकिंग कर रही होती है तो मैं यहीं पे बैठ के अपना टीवी वगैरह देख रही होती हूँ, तो उसका भी काम हो जाता है क्योंकि कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है कुछ, जैसे मिक्सर ग्राइंडर चलाने के लिए उसको कई बार लगता है कि बुला लेते हैं दीदी को, तो कई बार कुछ सामान अगर उसको चाहिए, तो इसलिए मैं बैठ के वहां पे रहती हूँ, वो अपना काम कर लेती है। 1 घंटे में तो 2 आदमी का खाना इजिली बन जाता है। मैं ज्यादा रोक टोक नहीं करती, मतलब मैंने उसको जो इंस्ट्रक्शन देना है वो मैंने उसको फर्स्ट डे दे रखा है कि कितना तेल हम यूज करते हैं, कितने मसाले हम यूज करते हैं और बेसिक चीजें कहाँ है, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, आटा कहाँ है, सब कुछ मैंने उनको बता रखा है। फ्रिज कैसे खुलता है वो भी फर्स्ट डे मैंने बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा वो आपने बता दिया दीदी, वरना ये फ्रिज मुझे खोलना भी नहीं आता। तो फ्रिज कैसे खुलता है, चिमनी कैसे चलती है, मिक्सर ग्राइंडर कैसे चलता है, पर मिक्सर ग्राइंडर में अभी भी उनको डाउट होता है, पानी कहाँ से लेना है, तो ये बेसिक मैंने फर्स्ट डे बता दिया, गर्म नहीं रखना आपको ज्यादा और कैसे कैसे क्लीन रखना है। इसके अलावा सिवाय इस बात के खाना क्या बनाना है मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने पे फॉलो नहीं, मतलब बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि उससे किसी को भी इरिटेशन होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद कि मुझे कोई रोज मेरे काम के लिए इंस्ट्रक्शंस दे। तो मैं वो बिलीव करती हूँ कि इंसान अपना समझ के अच्छे से करता है, उसको टोक टोक करने की जरूरत नहीं है।
तो ये डिलीवर हुआ है। मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे मिंत्रा से समर के लिए, ऑफ कोर्स मुझे इस बार तो फ्रेश न्यू कलेक्शन करना पड़ रहा है जो मुझे फिट आए, क्योंकि पुराने तो कुछ भी फिट नहीं आ रहे, तो जो भी लेना है वो नया ही लेना है। तो अब मैं मंगा रही हूँ XL में, राइट। हाँ, अब मैं लार्ज में नहीं मंगा रही, जो भी मंगा रही हूँ XL में मंगा रही, ताकि अभी भी चले तो लेटेस्ट स्टेज में भी चले। तो एक ये सिंपल सा ड्रेस है, और दूसरा जो मंगवाया है वो मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये पहनने पे कैसा लगेगा। मटेरियल जो है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पीछे के साइड में बहुत स्टाइलिश है, ऐसे नॉट बना हुआ है, तो ये जब पहनूंगी तो आपको पहन के दिखाऊंगी। या कैसा फिटिंग आता है वो देखना जरूरी है कि ये वाला पार्ट सब फिटिंग अच्छा आना चाहिए। एंड ये भी मैंने XL में ही मंगवाया है। और अंगद के लिए मंगाया है कुछ ट्राउजर्स, तो तीन मंगवाए हैं एक्चुअली, उसमें से एक आज डिलीवर हो गया है। तो कलर मुझे सोबर सा लगा, मटेरियल भी ठीक लग रहा है, वरना आजकल क्या है ना बहुत ही, ये HRX ब्रांड का है, HRX योगा, बहुत ही आजकल लड़कों के जो भी पैंट्स आ रहे हैं ना बहुत मोटे मोटे से आ रहे हैं, तो गर्मी में पहनने का उसको मन नहीं करता। ये भी थोड़ा सा तो मुझे मोटा ही लग रहा है, वैसे उतना भी पतला नहीं है, और कलर लेकिन अच्छा है। लेट्स सी पहन के देखता है वो। अच्छा तो दिख रहा है। अच्छा, आजकल ना लड़कों के कपड़े एक तो मोटे आने लगे हैं पैंट्स, और दूसरा वो नीचे में ना इलास्टिक आने लगा है। हाँ। सब में देख रही हूँ मैं, है ना, पर इतना टाइट नहीं है जो दूसरा वाला है ना। चलो तो फिर गुड। तो येलो वाला जो है वो मैं रिटर्न कर रही हूँ, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आई। हाउ आई विश उसकी फिटिंग अच्छी आई होती, ब्राइट कलर बहुत सुंदर लगता, पर फिटिंग इश्यूज है तो मैंने वापस कर दिया। ये वाला जो है इसमें तो मुझे डाउट नहीं था, ये फिट आना ही था। तो पीछे सिंपल सा ऐसा है, एंड कलर भी सुंदर है, डार्क सा है, नीचे थोड़ा सा ना कट दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कट आ जाएगा, एंड बाकी सिंपल सा है, लेंथ भी अच्छा है। मैंने तो अभी कुछ महीनों में ही ये देख लिया है कि जब भी ना आप प्रेग्नेंट वुमेन क्लोथ सर्च करो या मैटरनिटी क्लोथ सर्च करो, तो आपको ऐसे बोरिंग कपड़े दिखाते हैं ना, जैसे कि जीवन में तो कुछ रस रहा ही नहीं है, कुछ स्टाइल फैशन तो रहा ही नहीं है, सब कुछ को बस धक्का मार देना है खिड़की से बाहर। तो मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं बस कपड़ों का साइज बढ़ाती जाऊंगी। पूरी प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे मुझे पहले मीडियम आ रहा था, फिर लार्ज लेना स्टार्ट कर दिया, अब मैं XL ले रही हूँ। अगर मुझे उससे भी बड़ा जाना होगा तो मैं XXL लेना शुरू करूंगी, पर जो कपड़े मैं जैसे पहनती थी मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी वैसे ही पहनने वाली हूँ। सिर्फ एक चीज है जो मैं रिफ्रेन कर रही हूँ पहनने से, एंड दैट इज जीन्स, क्योंकि उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो जीन्स बस नहीं पहन रही हूँ, जीन्स एंड टॉप वगैरह। पर अदरवाइज जो भी ड्रेसेस है उसका बस मैं साइज बढ़ाती जा रही हूँ। तो ये वाला मुझे हर तरीके से अच्छा लगा दिखने में, एंड साइज भी आई गेस इंक्रीज भी होगा ना, तभी भी ये मुझे फिट आ जाएगा। आज अंगद को भूख लग गई है मुझसे पहले। हाँ। है ना, तो खाना बन के रेडी है। खाने में क्या क्या है, पालक पनीर पे चपाती, इधर में है राइस, और यहाँ पे वो पंचरत्न दाल बन चुका है जो कि बहुत ही टेस्टी टेस्टी मुझे लग रहा है। लेट्स सी, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी सूखी वाली है ना, तो दाल उसने पानी वाला बनाया, इस तरह से वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 6:30। बहुत दिनों से ना मैं दोपहर में नहीं सोती थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा हुआ है कई बार कि सो गई हूँ, पर उसके बाद से मैंने एकदम सोना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। कभी सर में दर्द हो जाता है सोकर उठिए तो, कभी लेजी फील होता है, तबीयत खराब ऐसा फील होता है, तो मैं फुल एनर्जेटिक रहती थी। अभी 3 दिनों से ना मैं सो जा रही हूँ दोपहर में, तो गर्मी बहुत लगती है, एसी चलाती हूँ, और एसी चलाने के बाद पता नहीं कब सो जाती हूँ, और इससे मेरा रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाता है, और मेरे चक्कर में रूटीन गड़बड़ होता है अंगद का। कल भी उसने यही किया था, पता नहीं कभी ऑफिस खत्म हुआ होगा 4:30-5 बजे, और देखता है मैं सो रही हूँ आके सो जाता है, उठता है लेट, मेरे भी उठने के बाद उठता है काफी देर बाद, और जिम नहीं जाता है। आज भी मैं देख रही हूँ सो चुका है आकर के, और मैं तो उठ गई अभी 6:30 बजे, उसको उठाना स्टार्ट करूंगी, नहीं उठेगा वो बोलेगा अच्छा उठ रहा हूँ, फिर जब उठेगा तो बोलेगा जिम नहीं जाऊंगा। तो पूरा रूटीन जो है मैं तो अपना खराब कर ही रही हूँ, उसका भी शाम का खराब कर रही हूँ। तो अभी सो के उठी हूँ तो सर हल्का भारी है, वो होना ही था कि एक तो सोइए एसी चला के, वो ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं लगती है, ऊपर से अनटाइमली सो गई हूँ, और चाय पीने का मन नहीं करता है, और लगता है सर दर्द है तो क्या करे, चाय पिया जाए, बड़ी मुसीबत है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, चाय पीऊँ या ना पीऊँ, पहले इसको बंद करते हैं। कुछ तो मैं टीवी पे देख रही थी, पता नहीं कब देखते देखते मेरी आंख लग गई, सो गई। अंगद जिम नहीं जाना, 6:30 हो गया है, कल भी नहीं गए इसी चक्कर में सो गए, उठोगे?
उठूंगा उठूंगा बोल रहा है ना, पर बहुत लेट करेगा. एक्चुअली उसको क्यों वीकनेस है मुझे समझ में आ गई है. तो उसकी एंटीबायोटिक चल रही है वो ईयर इन्फेक्शन के लिए. तो एंटीबायोटिक खाइए ना, तो वैसे भी थोड़ा सा जो आपका शरीर है ना वो टूट जाता है, वीकनेस बहुत फील होती है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है. तो उसका भी अभी तो कोर्स चल ही रहा है, पर हाँ बहुत रिलीफ है. मतलब रेडनेस चली गई, स्वेलिंग बहुत हो गई थी उसको ना, यहाँ पे लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग हो गई थी, ईयर्स में भी स्वेलिंग हो गई थी, और खुजली तो था ही. तो खुजली तो क्रीम से ही ठीक हो गया, और स्वेलिंग भी कम हो गई है, रेडनेस भी कम हो गई है. तो होपफुली जो है वो ठीक हो जा रहा है उसका ये प्रॉब्लम. पर दवाई तो खानी पड़ेगी, 5 दिनों का कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसको वो है. चलिए काम करती हूँ, पूछ लेती हूँ अंगद से, अगर उसको जिम जाना है तो अलग बात है, नहीं जाना है तो फिर चाय बना लेती हूँ. तो मेरा तो सर में हल्का दर्द है, तो चाय पीते हैं, चाय और मखाना खाते हैं. चलिए मॉर्निंग एवरीवन. तो आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे 8, और सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं पता है क्या करने के लिए, किस चीज के तलाश में, एनी गेसेस? आम खरीदने के लिए जा रहे हैं. जी हाँ, हमें पता चला है कि एक सब्जी मंडी है जहाँ पे होलसेल में शायद हमें आम की पेटी मिल सकती है. तो बस सुबह सुबह इसी तलाश में निकल गए हैं कि हमें अच्छा वाला आम मिल जाए. हमारा प्लान है कि आम जो हो वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा हो, जिसको घर पे आके हम खुद से पकाए पेटी को, तो उसमें कोई भी कार्बाइड वगैरह ना रहे, वही मेन लाने जा रहे हैं हम लोग. तो अंकल ने रिसर्च किया है, सुबह सुबह सोचिए कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, उठे हैं और बस भागे हैं कि बस फ्रेश आम मिल जाए, फिर उधर ही कुछ नाश्ता करते आ जाएंगे. तो होपफुली मिल जाए हमें. फर्स्ट टाइम हम ऐसे पेटी लेने जा रहे हैं, आम के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं. और बाकी टाइम क्या था ना कि हम लोग खरीद लेते थे ऐसे नॉर्मल आम जो होता है. इस बार मेरा मन है कि नहीं, वो घर का पकावा होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं हो, तो मैं भी खा सकूं अच्छे से. तो काम हमारा हो गया. हमने कौन सा आम लिया अंगद? बादामी. और कितना पड़ा हमें? हमें पड़ा 10 केजी का दाम 1200 रूपए. तो अच्छा मिला, यही हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे, कुछ कुछ थे फार्म्स, तो उसमें तो एक डजन का ही 1200-1400 रूपए लिख रहा था. तो देखिए आने से मंडी आपको अच्छा मिल जाता है. और कच्चा पक्का लिया है, मोस्टली तो कच्चा लिया है हमने. वो भी सोच रहा था कि कच्चा आम क्यों मांग रहा है ये लोग. हमने कहा हमें कच्चा ही चाहिए, हम खुद पकाएंगे. और कुछ पक्का ले लिया, अंगद खा लेगा, बाकी कच्चा वाला को मैं पकाऊंगी, उसके बाद आराम से खाऊंगी. तो बहुत सारे हम तो मतलब मैं क्योंकि उतना चलना नहीं चाह रही थी, बहुत भीड़ है, बहुत सारे ट्रक वगैरह यहाँ पे है ना. तो हमने तो जो स्टार्टिंग में हमें देखा दुकान, हम वहीं पे घुस गए. पर अंदर आप चलते जाओगे दुकान ही दुकान, आप पूरा गुम हो जाओगे. इतनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको मिलेंगे फ्रेश एकदम. Thank you.
देखिए आम, तो ज़्यादा करके हम लोग ये ऐसा कच्चा लेकर के आए हैं, एकदम पका सकते हैं घर में। थोड़ा बहुत उसने मिक्स दे दिया है, उसके पास था ही थोड़ा कच्चा पक्का वाला, पर ये भी सब भी ना कच्चा ही है, देखने से पक्का लग रहा है पर है हाँ, नहीं पका है ना। आई थिंक सो 4-5 डेज लगेगा इसको। तो अभी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा पका हुआ है वो एक भगवान को चढ़ा लेंगे आज, क्योंकि सीजन का पहला आम है हमारा। पिछले साल भी हमने आम नहीं खाया था क्योंकि मेरी आयुर्वेदा डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था, तो पिछले साल भी एकदम ही नहीं खाया था। और तो बहुत दिनों बाद ये वाला देखो तो सुंदर है, स्मेल इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। हाँ साइज भी अच्छा है, वाह ये हुई ना बात। बाकी को तो न्यूज़पेपर में रखना। हाँ वाह इसको सुनो। ओहो तो यहाँ पे अभी फैला दिया है आम को, ये सारे देखिए तो ऑलमोस्ट कच्चे आम है, तो यहाँ पे ये अपना पकते रहेंगे। ओ ये लो इससे ज्यादा तो फिर आम दब जाएगा फिर। चलिए तो यहाँ कोने में ये अपना उतरेगा, इसके आगे रिंग लाइट रख दीजिए। नो एंट्री पकने दो उसको आराम से। पर तुम्हारा ऑफिस रूम जो है ना दो दिनों में मुझे बहुत स्मेल आने वाली है, गोडाउन वाला स्मेल आने का, भूख लगी है अभी। तो थोड़े बहुत आम निकले हैं ऐसे जो एकदम लग रहा है पके हुए हैं, तो इनको क्या करूंगी पानी में डिप कर दूंगी ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और भगवान को चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कल या कल तक में शायद आमरस इसका निकले। ये तो एकदम लग रहा है कि कितना सुंदर कलर आया है ना। उफ खैर चलिए, आई एम श्योर आप लोगों ने भी आम तो चख ही लिया होगा, चखा है कि नहीं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर बैंगलोर में रहते हो तो जो मैंने बताया वहां जाकर आप खरीद सकते हैं। एनीवेज ये ब्लॉग एंड करने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करनी है। तो जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले शेयर किया था आपसे कि मैं जब अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इनफर्टिलिटी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी तो उसका मेन पर्पस ये होगा कि मेरे एक्सपीरियंसेस से लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ आइडिया लगे, कुछ पता चले, नॉलेज हो या कुछ नहीं तो हिम्मत ही मिले। ये मेरा पर्पस था और मैंने कहा भी था कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनने से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर्स जो बताए वो एक तरफ होता है और आप किसी अपने से, अब यूट्यूब में आप रोज मुझे देखते हो तो अपनापन सा लगता ही होगा, तो जब आप सुनते हो तो ज्यादा आपको हिम्मत मिलती है। और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा मुझे पता चला कल जो मेरे इस जर्नी शेयर करने से हुआ है, मैंने नहीं उम्मीद की थी कि ऐसा भी कुछ होगा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे रंगत को जान करके। तो मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कल, मैंने ओपन किया तो उसमें एक जो थी वो लेडी वो कह रही थी कि 32 इयर्स की हैं वो, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और उनकी शादी भी रिसेंटली शादी हुई और वो उन्होंने कंसीव कर लिया और उनका भी बेबी प्लान करने का प्लानिंग नहीं थी मतलब। तो वो लोग सोच रहे थे कि क्या करें आगे, इसको रखा जाए या ना रखा जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम नहीं रखते क्योंकि अभी बहुत अर्ली हो गया है तो प्लानिंग नहीं है अभी। लेकिन उन्होंने मेरा वीडियोस देखा, मेरी जर्नी के बारे में जाना कि कितना प्रॉब्लम होता है कंसीव करने में और सब कुछ उन्होंने सुना, और वो सुनने के बाद मेरी जर्नी उन्होंने और उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करना चाहते इस बेबी को। और मुझे उन्होंने बताया कि थैंक यू सो मच, आपका वीडियो देख के मुझे रियलाइज हुआ कि कितना पेनफुल होता है अगर कंसीव नहीं होता और मुझे भगवान ने इतनी जल्दी आशीर्वाद दे दिया और हम लोग बेकार का चीज सोच रहे हैं तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इतना अच्छा लगा मुझे रंगत को जान करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठ के अपने घर में ये जर्नी को शेयर किया और कहीं दूर बैठे किसी कपल के लाइफ में उन्होंने इससे कुछ सीखा और अब आगे जाकर के वो इस प्यारी सी जान को दुनिया में लाएंगे, तो ये जो फीलिंग है ना मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मुझे इतना अच्छा लगा ये जान करके। तो ये फायदा होता है बताने से सब बातें, क्योंकि कैसे आप लोगों की जिंदगी को टच करोगे ना आपको पता नहीं है, कैसे कहां पे जाके किसी कुछ हेल्प हो जाती है, किसी को हिम्मत आ जाती है, किसी को कुछ नॉलेज आ जाती है। जैसे उत्तरा बस्ती के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, अब लोगों को पता चला है, वो अपने शहर में जाकर बात कर रहे हैं जिनका ट्यूब ब्लॉक है कि कैसे करना है। बहुत लोगों को नहीं पता था कि कैसा होता है ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सबको जैसे मैं शेयर कर रही हूँ फायदा हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ। आई एम श्योर आगे भी जब धीरे धीरे और भी बातें सुनोगे जो कि मैं सारा शेयर करूंगी वन बाय वन, बहुत लोगों को फायदा हो। और कौन आया पता नहीं, तो चलिए ठीक है यही मुझे आपसे शेयर करना था। इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड।